अरे भाई पिकअप तो बहुत तगड़ा हो गया भाई सर्विसिंग के बाद चलाने भाई पता है एक अलग ही एनर्जी आ रही है यार इसमें एंकर भाई गियर आराम से पड़ रहे हैं एंकर मेरे को लग रहा था पता है इसकी चैन डील। तो यार भाई सर्विसिंग से पहले मैं अपना थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ ताकि तुम बने रहो वीडियो में, ठीक है। एमटी भाई जो बेस्ट बाइक है ना उसको बोल सकते हैं एंकर, मतलब लिटरली में भाई इस बाइक ने मेरी एंकर पूरी लाइफ ही बदल दी है। और वैसे भी नहीं, मतलब वैसे भी ऑलरेडी एंकर मस्त बाइक है यार ये, मतलब अभी रिव्यू बताऊंगा मैं तुम्हें भाई कसम से मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। एवरेज से लेके लीन से लेके भाई इसकी लीनिंग पावर एंकर पावर अंदर एंकर समझ रहे हो बात को, टॉर्क स्पीड सब चीज़ भाई मस्त है यार। और मेन बात इसकी पता है क्या है, 155 सीसी होने के बाद भी 155 भागती है समझ रहे हो बात को, और कोई ब्रांड नहीं देता ये चीज़, ठीक है। एक R15 हो गई यामा की है, वो भी 155 भागती है, और एक MT15 भाई हमारी जो भी 155 भागती है, बट एक्चुअली में इसकी स्पीड खुली नहीं है। और वैसे मैं भगाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि यार ओवर स्पीडिंग ना भाई जानलेवा होती है, जैसे तंबाकू खैनी नहीं जानलेवा होते ना वैसे ओवर स्पीडिंग भी जानलेवा होती है, मतलब लिमिट में चलाओ जितने में तुम संभाल लो, ठीक है। तो फटाफट से यार थोड़ी सी हेल्प करते हैं भैया की, क्योंकि यहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं ना वो नहीं आ रखे हैं, ठीक है। तो भैया ने बोला कि हमारी थोड़ी सी हेल्प करते हैं, हमने बोला ठीक है यार अपनी गाड़ी की हेल्प कर रहे हैं ना भाई, अपनी गाड़ी का काम होता है हेल्प कर सकते हैं। तो फटाफट से यार देखते हैं क्या क्या इसमें होने वाला है, सिस्टम है, और कितना बजट आने वाला है इसका, कितना बिल आने वाला है वही बताएंगे तुम्हें। हाँ वही तो, ये MT की तो ज्यादा बुकिंग होंगी। इसमें यार एक वो चीज वो भी चेक होती है जो काला होता है नहीं होता है करके, आपने बताया था एक बार फिल्टर, हाँ उससे पता चलता है गाड़ी एवरेज दे रही है नहीं दे रही है करके। हैं कितना टाइम हो गया? दो तीन महीने हो गए होंगे। अभी 13,000 में करानी थी और दिन भी होते हैं, 13,000 हो गई मैंने करा। हाँ तो यार मैंने को फिलहाल से अभी एक बात और पता चली कि यार इसकी इंजन लाइट जल रही है, मैंने उतना गौर किया था, मैंने एक बार पूछा भी था शोरूम पे, बट उन्होंने बोलता है कि यार इसमें इंजन लाइट जलती रहती है, बट एक्चुअली में भैया बोल रहे हैं कि इंजन लाइट नहीं जलनी चाहिए, तो भैया बोल रहे हैं कि अभी कंप्यूटर में स्कैन होगी पूरी गाड़ी, ठीक है। तो देखते हैं भाई कैसे इंटर दिखाएंगे पूरी गाड़ी कैसे स्कैन होती है, एक्सरे सुना है, सिटी स्कैन सुना है, अब बाइक का भी स्कैन सुनते हैं वैंकर, देखते भी कैसे होती है, ठीक है। कंप्यूटर मतलब कुछ होता होगा, जो भी चीज़ होती है प्रॉब्लम पूरी है ना वैंकर, इसमें सब ब्लूटूथ भी है, ठीक है, वाईफाई भी है ना, तो क्या पता वैंकर कंप्यूटर इससे कंट्रोल होती हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल से यार देखते हैं भाई क्या क्या सीन है इसमें, अभी यार फिलहाल से इसमें एक फिल्टर डाल रखा और एक इंजन ऑयल चेंज हो रखा है, यहाँ पर देख सकते हो ये। तो यार भाई लोगों यहाँ पे एक R15 खड़ी थी, तो हम इसका एक्रा 4V इसमें लगा था, मैंने देख लिया, तो आवाज़ सुन रहे हैं इसकी गियर में होगी ये, पर इसमें पता है सुपर बाइक में मजा आता है भाई, सुपर बाइक में मजा आता है, सुपर बाइक होती है यार। गाड़ी का ज्यादा पिकअप हो गया लग रहा है मुझे। चलो ये डीजे बैग उठा, DSLR का बैग। तेरे भाई लोगों को फिलहाल से, तो यार भाई लोगों को फिलहाल से हमारी सर्विसिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एंड लिटरली में आज मजा आया वैंकर सर्विसिंग कराते टाइम, भाई कसम से वैंकर एक बारीक बारीक चीज भी सही करवाई है भाई, कसम से मजा आ गया, बाइक भी खुश हो गई होगी वैंकर, आज अभी इसको वॉश करवाते हैं यहाँ पे, उसके बाद चलते हैं भाई, लेकिन एक बार मैं टेस्ट ड्राइव लेके आता हूँ कैसा है सीन। बाकी तो अभी भैया जा रखे हैं टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, उसके बाद मैं जाऊंगा। क्या ये तो है ये सामने वाला, तो फिलहाल से अपनी गाड़ी अभी धुल रही है अपनी गाड़ी। हेलो, हाँ साहिल भाई, चलो ठीक है ओके। तो यार भाई लोगों मैं अभी थोड़ा सा एक राइड लेने जा रहा हूँ, अरे हाँ
हाँ भाई आप सही चल रही है कसम से। अरे भाई पिकअप तो बहुत तगड़ा हो गया भाई सर्विसिंग के बाद चलाने में भाई पता है एक अलग ही एनर्जी आ रही है यार इसमें एंकर भाई गियर आराम से पड़ रहे हैं एंकर। मेरे को लग रहा था पता है इसकी चैन ढीली हो गई थी और थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी तो ये पिकअप भी ज़्यादा नहीं ले पा रही थी और भाई इसके जो गियर है ना भाई इतने स्मूथ पड़ रहे हैं भाई लिटरली बता रही है भाई साहब मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया मैं एंकर दिल खुश हो गया भाई आज पता है दिल खुश हो गया यार। वाह भाई वाह ये जो खट खट मस्त वाली आवाज आ रही ना भयंकर भाई साहब भाई स्माइल बहुत है यार चेहरे पे मेरे भयंकर आज क्या बात। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया सही चल रही है सही चल रही है एक नंबर मजा आ गया भाई। इसमें क्या और था पता है दिक्कत क्या और थी सर्विसिंग से पहले मैं ऐसे ऐसे कर रहा था ना ऐसे हिला रहा था तो गाड़ी में ऐसा हो रहा था कि पीछे कोई भारी इंसान बैठ रहा था तो मतलब थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रही थी ऐसा लग रहा था मुझे ठीक है। बट एक्चुअली में वो इसलिए और था कि जो ब्रेक पैड के अंदर की चीज़ होती है ना थोड़ी सी खराब हो गई तो इसलिए वो डिस्क को बैंकर थोड़ा सा दबा रही तो इसलिए और था वो तो हमने वो भी सही करा दिया भाई और मस्त चल लिया भाई। वाह भाई वाह 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 ब्रेक भी काफ़ी मस्त हो गए भाई बढ़िया चल रही है यार मस्त चल रही है। तो यार भाई लोगों फिलहाल से यार हमारी सर्विसिंग हर्विसिंग सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी है एंड फिलहाल से अभी छाया भी आ गई है बट एक्चुअली में थोड़े थोड़े बादल हैं जिन्होंने हमें छाया दे रखी है। अगर वो लोग चले गए तो हमें दोबारा से धूप देखने को मिलेगी। तो फिलहाल से यार अभी तुम्हें मैं बताने वाला हूँ कि यार एमटी के एडवांटेजेस क्या है क्योंकि डिसएडवांटेजेस तो है ही नहीं भाई समझ रहे हो बात को मैं लिटरली बता रहा हूँ मेरे एंड से मतलब यार मेरे एंड से तो कोई डिसएडवांटेज नहीं इस गाड़ी के बाइक कसम से भाई। इसका बस एक चीज़ करनी है मेरे को वो टेस्ट करनी है वो ये है कि इसका एवरेज अब कितना एवरेज देती है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पे इसका एवरेज टेस्ट किया था और अब 5-6 महीने हो चुके हैं मैंने तब से इसका एवरेज टेस्ट नहीं किया है तो मैं से बोल नहीं सकता हूँ कि यार ये मेरे की ये मुझे कितना एवरेज दे रही होगी। लेकिन यार मेरे को जितना भी समथिंग याद है ये मेरे को 45 का दे ही रही होगी 45 का दे ही रही होगी। हाँ सही बात ठीक तो अब देखते हैं कि भाई यार ये कितना सर्विसिंग देती है। बाकी यार मुझे DSLR का लेंस भी लेने जाना है तो रुद्रपुर तो अप्रॉक्स रुद्रपुर हमारे यहाँ से होगा वो समथिंग 90 ऐसा कुछ ठीक है तो एवरेज भी टेस्ट हो जाएगा तो ये सबसे बढ़िया मौका है तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है।